जय सच्चिदानंद, जय सचिन। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आय रियाणम, नमो आय रियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावक पनासनो, सव पावक पनासनो, मंगलानम च संवेसीम, मंगलानम च संवेसीम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा, हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा, हे वात्सल्य मूर्ति सर्वज्ञ श्री दादा भगवान, हे वात्सल्य मूर्ति सर्वज्ञ श्री दादा भगवान, हे सर्वे देवी देवात्माओ, हे सर्वे देवी देवात्माओ, अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक, अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक, चित्त की हाजिरी में, चित्त की हाजिरी में, सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की, सत्संग समझने की, और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे, और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नौ कर्म द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म नौ कर्म द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे नाम और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे नाम और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप, दादा भगवान के सुचरणों में समर्पण करता हूँ, दादा भगवान के सुचरणों में समर्पण करता हूँ, मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मन वचन काया से तद्दन जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मन वचन काया से तद्दन जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मन वचन काया से तद्दन नौखा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मन वचन काया से तद्दन नौखा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए कश्यप जी। हाँ जी, ये पद निकाली श्री मुखे सरस्वती वही CD 22। तो शर्मन जी आप भी निकाल लीजिए। बोलिए। हाँ जी, ये इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में श्री मुखे सरस्वती वही मोक्ष मूल अहो महाज्ञान दानी स्वय मतलब स्व क्या है, अपना मतलब जो है महादान ज्ञान दानी स्वय, ये समझ नहीं आया जो सेकंड सेकंड लाइन फर्स्ट दो लाइन ऊपर से। हाँ
तो शरण नहीं क्या? नहीं मिला, एक मिनट निकालता हूँ। 22 नंबर की सीढ़ी ना? हाँ हाँ एक मिनट, लेकिन मेरा ये जो मैं लेके बैठा उसमें थोड़ा दिक्कत हुआ है, उसमें सीडी नंबर नहीं डाला, इंडेक्स में से ढूंढना पड़ेगा। आपको मिल गया? हाँ अरे स्क्रीन पे डाल दीजिए। नहीं 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 मैं वो उसमें शेयर नहीं किया इसलिए। हाँ संतोष आना जी स्क्रीन पे आ गया, कोई बात नहीं। अगर यहाँ से फर्स्ट फर्स्ट टू लाइन है ना, श्री मुख्य सरस्वती वही मोक्ष मूल अहो महाज्ञान दानी स्व स्व, क्या मतलब बता रहे महाज्ञान दानी स्व? એટલે દાદા ભગવાન કે લીએ લિખા હૈ શ્રી મુખે સરસ્વતી વહી મોક્ષ મૂળ ઓહો મહા જ્ઞાનદાની, યાની સ્વય સ્વય યાની જો ઉનકા દશા કા જો હૈ મહા જ્ઞાનદાની સ્વય યાની સબકો દેને વાલે। સ્વય મતલબ ક્યા હોતા હૈ વૈસે, ગુજરાતી વર્ડ હૈ સ્વય કા એક્ઝેક્ટ ગુજરાતી મીનિંગ ક્યા હૈ? તો કે खुद के महाज्ञानदानी स्वय, यानी खुद के लिए स्व होता है, पर स्वय का एग्जैक्ट डिक्शनरी में ही देखना पड़ेगा। वो तो मेरे को मिला नहीं, वैसे डिक्शनरी में मेरे को नहीं मिला। दीपक आनंद जी स्वय और स्वय एक ही बात है क्या? बताएं स्वय और स्वय स्व एक ही मीनिंग होता है? ऐसा लगता है स्व तो समझ सकते हैं, स्व प्लस ए स्वय और स्व तो यानी खुद का स्वरूप की पहचान दान देने वाले। अच्छा ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हाँ और ऐसे उनको महाज्ञान दानी स्वय यानी जैसे वो बुलाते हैं ना किसी को करके, बुला के जो ज्ञान देने की बात है ना दादा भगवान की वितरकता की, वो दशा की महाज्ञान दानी स्व ऐसे 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 स्व के दान देने वाले ऐसे। अच्छा अच्छा ठीक है। अगला पैराग्राफ में है महद पुण्य आधारे मानक मनखा रूपी मंदिर स्वस्थ स्वप्नस्थ प्रतिष्ठा मूर्ति मुख बहिर। स्वप्नस्थ प्रतिष्ठा क्या होता है? यानी ये जो दादा भगवान ने बताया ना महापुण्य आधारे मन मनखा मंदिर स्वप्नस्थ प्रतिष्ठा मूर्ति नु मुख बहिर, यानी ये जो दादा भगवान के विषय में जो बताया कि उनका जो दादा भगवान ने क्या बताया कि अभी सब लोग जिस जिस को भी दृष्टि प्राप्त हुई है वो खुली आंख के स्वप्न के तरह जीने का है, यानी ये जो प्रतिष्ठा जो करके आए हैं, जो अभी हमें शरीर मिला है वो प्रतिष्ठा की है वो मिला है। और स्वप्नस्थ यानी स्वप्न अवस्था वाला है प्रतिष्ठित। हाँ मूर्ति नो मुख बाहर। अच्छा हाँ मतलब अभी हमारा जो प्रतिष्ठा है वो स्वप्न वाला है, मतलब वो हाँ अभी खुले आंख का स्वप्न हो गया हमारे लिए।
कि मन वचन काया में क्या क्या हो रहा है वो हम देखने और जानने वाले हो गए, तो वो हमारे लिए एक स्वप्न दशा है प्रतिष्ठित आत्मा वाली, कि उसके अंदर अभी हमें कुछ करने का नहीं है, उसको सिर्फ हमें देखने का और जानने का है। अच्छा, मूर्ति नु मुख बाहिर, मूर्ति नु मुख बाहिर, यानी मूर्ति जो अंदर, ये जो मूर्ति है, तो दादा भगवान बताते थे कि हम ये महात्मा है ना, उसको ये जो ज्ञान दृष्टि प्राप्त होने के बाद ये मूर्ति मूर्ति रूप बना रहे हैं, मूर्ति गढ़ रहे हैं सबकी, और उसके अंदर अमूर्त अमूर्त प्रकट हो गए, क्योंकि मूर्ति मुख बहिर, यानी उनका उनका मुख है बहिर, बहिर की ओर मुख है, लेकिन वो कौन सा वाला है, क्योंकि जो निर्जरा हो रही है उसको देखने वाला। अच्छा, फिर आगे है जन्म मौत बेउ छेड़े भय, ठीक है, ये तो क्लियर है। काशिनी जो करवत वेदना में, ये क्या बता रहे, काशी का जो करवत, वो गुजराती में कहावत है, काशी की करवत, जाते भी वेरे और आते भी वेरे, यानी दोनों जाने के टाइम पर भी काटती है और आने के टाइम भी काटती है। हाँ। तो वो वेदनामय, काशी नी जो करवत वेदनामय, यानी ये जो वेदना लेके आए है वो जाते भी देती है और आते भी देती है, वेदना भुगतान करवाती है, भुगतान मतलब वो करवाती है। काशी की करवत मतलब वो जो है जन्म मृत्यु के लिए बात करे ना, वही। हाँ, जन्म मृत्यु की बात कर रहे है। बेउ छेड़े भाई, यानी जाते समय भी वो वेदना देती है और आते समय भी वेदना देती है, दोनों और वेदना देती है। फिर आगे लिखा मर्दा, हाँ जी बताएं। वो जो भुगतान करवाती है दोनों तरफ। जी समझ गए। अच्छा आगे लिखा मर्दा फोले मन उधाई 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 अवस्था माँ एकाकार स्वागत जगत भय। हाँ, ये मर्दा फोले मन उधाई क्या मतलब होता है? उधाई तो वो टर्माइट होता हाँ, है। हाँ, बस वही, हाँ वही वही फोले मर्दा मुर्दा होता है। फोले मतलब जो उसका ऊपर का जो खुल, हाँ खोले खुल रहा है, मन उधाई, यानी ये क्या कहना चाहता है, तो कि मन के अंदर जो उदय आ जाती है ना, तो गड़े मुर्दे को भी खोल के उसके अंदर भी चुत्था चुत करती है, यानी कोई भी प्रसंग संजोग भुगतान का खत्म हो गया, फिर उसको याद कर करके उसको अंदर उसके अंदर गलतियां निकालता ही है। उसने ये किया, वो किया, वो किया, वो जो चलता रहता है अंदर, वो उसके लिए बताया कि मर्दा फूले मन उदय, यानी मरे हुए को भी वो खोल के उसका पोस्टमार्टम करता रहता है। जो मन है, ये मन ऐसे कर, मन ऐसे करता है ना। हाँ, यानी मन के अंदर उदय ऐसी चल गई है। उदय उदय जो लकड़े में घुसती है ना, तो लकड़े को बाहर से ऐसा दिखता है लेकिन अंदर से पूरा खलास हो गया होता है। ऐसा मन के अंदर उदय जब घुस जाती है तो मरे हुए जो होते हैं उसको भी खोल के उसके अंदर चुथा चुथ करता है, बात-बात को जो है वो उस पे डिटेल में जाता है। जो छोटी भी बात होती है ना उसको खींचा करता है, वो ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों ग्लास रखा, ऐसा ही रखना चाहिए, वो छोटी छोटी बातों के अंदर भी वो इतना लंबा खींचता है वो। तो इसमें इस तरह के मन में बुद्धि भी साथ में होती है ना, जो ऐसे करते हैं जो साथ में। वो मन का स्वभाव क्या होता है, तो के वो विचार फूटता ही रहता है, फिर जो चलता है वो बुद्धि ही चलती है, लेकिन ऐसा विचार फूटा वो मन के आधार पर फूटा, संजोग जैसे इकट्ठा हुए और मन इतना पोला हो गया है तो तुरंत वो घबरा जाता है और फिर शंका कुशंका करना शुरू कर देता है वो। तो मतलब मन के साथ जब बुद्धि साथ में आ जाती तब वो जो है छोटी छोटी बात पे, जैसे आप बता रहे ना मर्दा का। हाँ, वो बुद्धि का भी स्वभाव क्या है, क्योंकि संसार की ओर खींचने का, तो मन में जैसा फूटा तो वो फिर आगे उसको वो जो वो क्या बोलते हैं, जलते के अंदर घी डालते हैं ना, बुद्धि का ऐसा काम हो जाता है कि ठीक है और जलाता है फिर।
हाँ सही है, आगे लिखा है समस्ता माँ एकाकारे स्वगत जगत भय। स्वगत हाँ भय क्या बता रहे हैं? यानी स्व जो अवस्था होती है ना, अवस्था के अंदर एकाकार हो जाता है, तो स्व यानी खुद और गत यानी जाने का, वो स्वगत के स्वगत को बुलाकर जगत का भय खड़ा कर देती है। जो एकाकार हो जाता है तो खुद को बुलाकर पूरा संसार खड़ा कर देती है, पूरा जगत का भय खड़ा कर देती है। अच्छा अगला लिखा है अरूपी मूर्ति पर परमाणु जंजीर अंतर आशय नी सांकड़ियु भाव भीड़। अरूपी मूर्ति पर परमाणु जंजीर, ये तो समझ में आ रहा है। अरूपी अंतर आशय नी सांकड़ियु भाव भीड़ क्या बता रहे हैं? सांकड़ियु भाव भीड़ अंतर आशय नु अंतर सांकड़ियु आशय जो 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 आगे की लाइन है ना, परमाणु जंजीर अमूर्ति पर यानी भगवान के ऊपर जो अभी ये पुद्गल रूपी परमाणु की जंजीर बंधी हुई है, तो क्या है तो कि अंतर आशय नहीं, यानी अंतर का आशय की आशय पर सांकड़ियु भाव भीड़ यानी सांकड़ जो लगी है ना, भाव और भीड़ की सांकड़ लगी हुई है। भाव भीड़ क्या बताना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस क्या ये? नहीं भाव 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 क्या बताते हैं? भाव जो अंदर होता है ना, खड़ा होता है ना उस भाव। हाँ। और भीड़ यानी एक भीड़ यानी एक एक बस के अंदर एक साथ कितने सब ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो खड़े रहने की भी जगह नहीं रहती है, उसको भीड़ बोला गया। अच्छा। जैसे बॉम्बे की ट्रेन में जाते हैं ना, बॉम्बे की ट्रेन में तो अंदर कैसा होता है, गिचम गिच हो जाते हैं ना, वो भीड़ यानी कि सांकड़ियु भाव भीड़ यानी अंदर ऐसे भावों की भीड़ हो गई अंदर अंतराशय। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अंतराशय में जात जात के भाव भरे हुए हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना? उसकी भीड़ हो गई है, भाव की भीड़ हो गई है, खचो खच हो गए, खचो खच हो गया। अच्छा ठीक है, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट लिखा पड़ल कांच नयन अंध शय शने शन आइकु आइकु कपातु विषय, ये समझ नहीं आया, थोड़ा बताए क्या बताए? पड़ल कांच नयन अंध क्षय यानी जो आंख के सामने जो कांच जो ज्यादा ज्यादा जाड़ा कांच होता है तो क्या होता है फिर? जाड़ा कांच होता है तो दिखाई नहीं देगा। हाँ तो क्या पड़ल कांच नयन अंध क्षय यानी ऐसे कांच आंखों के सामने हो गए तो अंध हो गए, क्षय हो गए, उसके आधार पर क्या होता है? क्षण क्षण आयकु कपातु विषय यानी समय समय पर हमारा शरीर है वो मर रहा है, आयकु यानी जीवन जीवन कट रहा है विषय। अच्छा। के आधार अच्छा क्षण क्षण आयकु कपातु विषय। तो जो पड़ल कांच मतलब जिसके कई मोटा कांच है वो उसमें आंखों के सामने आने से अंधकार हो जाता है। हाँ, और शय हो जाता है, शय का क्या बताएं? हाँ हाँ यानी जो अज्ञान ये पड़ल कांच का मीनिंग क्या बताया यहाँ पे, क्योंकि तो आंख के आगे विनाशी चीजों में सुख है ऐसे आंखों के सामने कांच आ जाता है और उस दृष्टि से देखते हैं, इसलिए भगवान की ओर दृष्टि नहीं जा रही है और संसार की ओर जा रही है यानी मोक्ष की ओर, भगवान की ओर अंध हो गए हम और बहिर की बाहर जो है विनाशी सुख उसके आगे हम देखने लगे। तो शय का क्या बताना चाह रहे? शय का क्षय यानी क्षण होता है ना, क्षय क्षय होना, तो किस चीज का क्षय हो रहा है? ये समझ का क्षय हो रहा है। पड़ल कांच नयन अंध क्षय यानी ऐसा आंखों के सामने अज्ञानता फैल जाती है तो अंध हो जाते हैं और जो जो सही हमें देखना चाहिए वो नहीं देख पाते, उसका जो सही समझ का क्षय हो जाता है वहां पे। ठीक है समझ गया। अच्छा लास्ट में पूछता हूँ एक पैराग्राफ छोड़ के, देखू ने धाजू विकल्पो कर दे खूब तन मन नी वर्गणो कपे कल्पे लारू, ये पता है देखू अने दाजू। हाँ।
विकल्पों करने को। हाँ। यानी दादा भगवान क्या बताते थे कि कहीं पर भी गए हाँ। और कुछ देख लिया हमने हाँ। तो वो हमारे पास आ नहीं रहा, हमारे 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 हिसाब में नहीं है वो हाँ। लेकिन देख लिया हाँ। तो अंदर अंदर ईर्ष्या देखता है वो शुरू हो जाता है। अच्छा तो के देखू ने दाजू એટલે જુએ અને અંદર દાજે અંદર જલન હોતી હે જલન હોતી બહાર દેખતા હે ઓર અંદર જલન ખડી હો જાતી હે હા વિકલ્પો કરડે ખૂબ યાની ઉસકે આધાર પર વિકલ્પો ખડે હો જાતે અંદર જો વિકલ્પ ખડે હોતે હે વો ફિર ખુદ કો હી પીડા દેતે હે કોઈ દૂસરા દેખને કે લિયે આતે નહીં હે કરડે કરડે યાની જો ખુજલી હોતી હે ના तो हाथ कैसे बार बार वहां पे चला जाता है, मतलब वो काटना होता है मेरे हिसाब से जो है। हाँ वो खुजली होती है तब जाते है ना हाँ, हाथ हाँ, बार बार हाँ, उसको करड़े बोला गया। ठीक है। जैसे मच्छर मच्छर काटता है, माकड़ काटता है, तो अंदर अंदर कैसा होता है ऐसे हाँ, करड़े करड़े ठीक है। फिर तन मन नी वड़गणो पोते कल्पेला रूप, यानी जो तन है यानी शरीर और मन है उनके ऊपर जो वर्गण होती है, जैसे वृक्ष के ऊपर जो वेल चढ़ती है ना, तो वो उसके ऊपर वो वर्गण लग गई। दादा भगवान उसके उसका दूसरा भी एग्जांपल देते हैं, किसी के अंदर प्रेत चला गया तो वो फिर अपना कुछ नहीं है, वो प्रेत का उसके ऊपर अधिकार हो जाता है, उसका उसके ऊपर हो जाता है अधिकार, तो वो कुछ भी खाएगा पिएगा तो अंदर जो प्रेत है वो बोलेगा उस हिसाब से शरीर काम करता है, हावी हो जाता है। हावी हो जाता है। तो ये तन मन नी वड़गणो यानी तन और मन की जो वड़गणो है उसके आधार पर पोते कल्पेला रूप, यानी पोते जो कल्पना की थी उस रूप उस आधार पर ये सब वड़गणे हमने हमको मिली हुई है। ठीक है, क्लियर है। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच जय सच्चिदानंद प्रज्ञा बहन। जय सच्चिदानंद संतोषानंद जी दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चि। अरे आपने आ अहंकार काई भी खाइए एमा आपने गमे करे ये अहंकार भोगवे छे के माने छे खाली अहंकार माने छे खाली अहंकार के मैं खादू मैं भोगव्यू मैं करियू ए खाली अहंकार क्रिया नो करता बने छे। अच्छा हकीकत मा खाई छे कोण तो के शरीर खाई छे। हाँ दांत चावे छे आंख जुए छे नाक सूंघे छे पण ए दरेक वस्तु हिंदी में हिंदी में हाँ सॉरी आंखें आंख देखती है नाक सुनता है दांत चबाता है खाना खाता है लेकिन उसके पीछे सारी क्रिया देह कर रही है लेकिन मानता क्या है कि मैंने किया। तो क्या अहंकार हाँ, सिर्फ हाँ, मानता है कि मैंने किया वो करता कुछ नहीं है सिर्फ मानता है कि मैंने किया। એ માનવાનું તો એટલી હદનું કે મને લાસ્ટ નાઈટ એવું ડ્રીમ આવ્યું કે હમણાંનું સાંભળું છું એવું કે કોલેસ્ટ્રોલ માટે દૂધીનો જ્યુસ સારો કરીને તો મને ડ્રીમમાં દૂધીનો જ્યુસ આવ્યો અને મેં પીધો અને મને ટેસ્ટી બી લાગ્યો ખરેખર મેં પીધું હોય એવું લાગ્યું એટલે નવાઈ લાગે કે આ શું થયું બીજું કઈ નઈ એટલે દાદા ભગવાને એટલે જ આપણને પ્રયોગ આપી દીધો ને નિધિધ્યાસન કે દાદા 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 કરતા સુઈ જાવ એટલે આવે ને ટેસ્ટ આવે ટેસ્ટ આવે બધું જ આવે દાદા ભગવાન શું કે ઊંઘની અંદર સ્વપ્ન આવ્યું હોય અને સ્વપ્નમાં રાજા
नींद के अंदर स्वप्न आया हो और स्वप्न के अंदर हाँ। वो राजा बना हो ना, तो सुबह में उठे ना तो हाँ। दो से लोई चढ़ गया होता है शरीर के ऊपर कि मैं राजा हूँ, पूरी नींद पूरा स्वप्न राजा बना हुआ होता है ना, तो शरीर के अंदर वैसे फेरफार आ गए होते हाँ। और अगर मैं गरीब हूँ ऐसा ऐसा स्वप्न आया होता है तो शरीर हाँ। के अंदर भी ऐसा फेरफार हो जाता है हाँ, हाँ, तो हाँ, उसकी हाँ। उसकी इफेक्ट होती है शरीर पर। दादा भगवान हाँ। के नींद में गुलाब जामुन खाए है ना तो हाँ। सुबह में मुंह के अंदर उसका 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 टेस्ट रहेगा हाँ, 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 हाँ। क्योंकि ये असर वाला जगत, इसीलिए बताया कि ये पूरा जगत है वो असर वाला है हाँ, हाँ। तो ये नींद के अंदर जो स्वप्न आता है उसकी असर शरीर पर रहती है એટલે અહંકાર તો 24 કલાક જાગ્રત જ હોય છે. અહંકાર અહંકાર સૂતો જ નથી, એટલે જ કીધું ને, ઇસલિયે દાદા ભગવાન ને બતાયા ને કે જો અહંકારી હે, જો અજ્ઞાની હે, વો નિંદ મે ભી કર્મ બાંધતા હે. હા, શરીર સો ગયા હે ફિર ભી કર્મ બંધના શરૂ ચાલુ હે ઉસકા. હા 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 ઓર જિસકો મે શુદ્ધાત્મા હું દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત હો ગઈ હા ઉસકો કર્મ બંધ હો ગયે. तो ये कर्म कर्म का साइंस है और वो ड्यूरिंग द डे पर खाली आ बधु मानी ज लेवाय छे के अहंकार बधु मान मान ज करे छे ने बधु साचू मनाय छे ने एवू थाय छे. वो क्या है प्रज्ञा बेन के वो अनंत अवतार का वो अध्यास लेके आए है करने कर्ता पद का करने वाला जो भाग है उसका अध्यास लेके आए है तो वो रातों रात तो जाएगा नहीं ना. लेकिन अभी हमें जो आज्ञा दृष्टि मिली है वो आज्ञा दृष्टि के हाजिरी में वो जा रहा. ओके ओके मैं जो शुद्धात्मा पद की प्राप्ति हुई है उसकी हाजिरी में अब वो सब खाली हो रहा है. ओके हाँ 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 तो ये जो जहां पर भी ये आता है कि मैंने खाया मैंने देखा ये जो भी भाग है तो वो फाइल नंबर एक का भाग है और हम उसको देखने वाले और वो खाली हो रहा है. राइट ओके जागृति रखवानी छे आना ऊपर. तो जागृति समझ के आधार पर बढ़ेगी, जितनी जितनी समझ बढ़ेगी उतनी उतनी जागृति बढ़ जाएगी. બરાબર છે ને, સત્સંગ સાંભળવાથી સમજ કરવાથી એને એમાં ફેર પડતો જશે. સત્સંગ યાની ક્યા હે તો કે અભી હમે જો સંયોગ પ્રાપ્ત હુઆ હે કે સબ હમ બેઠ કે યે હો રહા હે તો વો સત્સંગ હે. ફિર હમ કોઈ નહીં હે તો હમારે અંદર રહે સ્વ કે સાથ જો બાતચીત ચલતી હે ઉસકો સત્સંગ બોલા ગયા. Yeah, और okay. वो बड़ा पुरुषार्थ है. हाँ, हाँ, के साथ बातचीत करना वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ. हाँ, हाँ, okay. yeah, बराबर प्रज्ञा भाई. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, संतोष आनंद जी, जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद. ये 15 मनुष्य भूमि क्या है? 15 मनुष्य भूमि. हाँ, तो ऐसा है कि दादा भगवान बताते थे कि ये ब्रह्मांड जो है ना जी, वो मनुष्य कोई खड़ा हो और अपने कमर पर हाथ रख के खड़ा हो ना, ऐसा ऐसा पूरा आकार का ब्रह्मांड है. और ब्रह्मांड के अंदर मध्य लोक के अंदर 5 महाविदेह क्षेत्र, 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र, ऐसे करके 15 पृथ्वी है. okay. और जिसके अंदर हम ये हमारा एक भरत क्षेत्र है, उसके अंदर जैसे मनुष्य है, जैसा पूरा वातावरण है, ऐसा ही सब जगह पे मनुष्य और सब कुछ है 15 के 15 पृथ्वी पर. हाँ,
लेकिन वहां पे आरा अलग होता है, जैसे अभी यहाँ पे पंचम आरा चल रहा है यानी दुखम आरा चल रहा है, वैसे महाविधेय क्षेत्र में कायम चौथा आरा रहता है और ऐरावत क्षेत्र के अंदर बरक क्षेत्र की तरह आरे चेंज होते रहते हैं। उनका अर्थ तो मैं बिल्कुल नहीं जानती जो आप बोल रहे हो। क्या किसका? ये जो पंचम मारा जो बोल रहे हो और महावी क्षेत्र का पंचम ऐसा है जैसे हमने वेदांत में बोलते हैं ना द्वापर त्रेता सतयुग और कलयुग। ओके 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 हाँ। ऐसे ऐसे जैन के जैन शास्त्र के आधार पर वितराग भगवंतों ने जो बताया छह आरा होता है। ओके। पहला आरा सुखम सुखम होता है, दूसरा आरा सुखम होता है, तीसरा आरा सुखम दुखम होता है, चौथा आरा दुखम सुखम होता है, पांचवा आरा दुखम होता है और छठा आरा दुखम दुखम होता है। तो अभी हम पांचवें आरे में बरक क्षेत्र के अंदर अभी पांचवा आरा चल रहा है दुखम चल रहा है नहीं दुखम चल रहा है दुखम हाँ। और तीसरे और चौथे तीसरा आरे की शुरुआत और चौथे आरे के एंड तक तीसरा आरा शुरू होता है तब तीर्थंकर भगवान की हाजिरी होती है और चौथा आरा खत्म होता है तब तीर्थंकर की हाजिरी नहीं होती है। तीसरे और चौथे आरे में तीर्थंकर की हाजिरी होती है। ओके। इसलिए कहा गया कि महाविधेय क्षेत्र के अंदर कायम परमानेंट चौथा आरा का वातावरण है तो वहां पे हर हमेशा तीर्थंकर भगवान होते हैं और एक पृथ्वी पर चार तीर्थंकर होते हैं तो वहां पे अभी 20 तीर्थंकर विद्यमान है और उनमें से सिमंदर स्वामी एक तीर्थंकर है और उनकी दादा भगवान ने बताया कि उनका बरक क्षेत्र के साथ ऋणानुबंध है इसलिए हमारी साक्षी से आप उनको नमस्कार करोगे करोगे तो वहां पहुंच जाएगा। और हम और ऐसा भी है वो हम हमारे लिए वेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है लेकिन दादा भगवान ने क्या बताया कि हमने जो यहाँ पे आपको ज्ञान दिया है आज्ञा दृष्टि दी है उसका जैसे जैसे पचन होता जाएगा जी। वैसे वैसे हमारा शरीर के अंदर परमाणु का फेरफार होगा और वो चौथे आरे के लायक हमारा परमाणु सब बन जाएगा तो हम यहाँ से नेक्स्ट बर्थ जो भी होगा वहाँ महाविधेय क्षेत्र में जाएंगे और सिमंदर स्वामी के दर्शन होने के बाद हमारी मुक्ति होगी। तो के वो ये इसलिए आज्ञा 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 का महत्व दादा भगवान ने बताया कि ये आज्ञा जैसे जैसे समझते जाओगे वैसे वैसे एक या दो या तीन या चार भाव में कोई भी एक भाव के अंदर लास्ट भाव जो होगा वो तीर्थंकर भगवान के पार्षद में होगा वहां महाविधेय क्षेत्र में होगा और उनके दर्शन से हमारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए केवल ज्ञान तीर्थंकर भगवान के दर्शन से खुला होता है इसलिए दादा भगवान ने बताया क्या 1,00,000 रुपए का चेक है उसमें से 99,999.99 यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेकिन एक पैसा जो कम पड़ता है वो तीर्थंकर के दर्शन से आपको मिलेगा तो केवल ज्ञान के लिए तो के बाकी सब यहाँ पे हो जाएगा लेकिन मुक्ति के लिए तीर्थंकर पूर्ण पुरुष के दर्शन होना अनिवार्य है। एंड ये जो 14 लोकों का नाथ वो 14 लोक का नाथ यानी क्या है कि सब शास्त्र में अलग अलग रीते बताया है तीन लोक बताए ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और मध्य के नीचे जो आता है उसको निचला लोग बोलते हैं तो तीन लोग होते हैं उसका बाइफर्केशन किया 14 लोग। ओके अच्छा। तो ऊपर ऊपर देव गति आती है मध्य में मनुष्य गति तिर्यंश गति आती है और नीचे जाओ तो नरक गति आती है तो ऐसे ऊपर 6 लोग है बीच में मध्य लोग और नीचे 7 लोग तो ऐसे करके 14 लोग। तिर्यंश गति क्या है जानवर का है क्या ये तिर्यंश? हाँ तिर्यंश गति यानी जानवर तिर्यंश गति में पशु पक्षी जानवर हाँ, हाँ। पहाड़ पहाड़ है वृक्ष है वो सब तिर्यंश गति अच्छा। में हाँ बिकॉज 4 में ये आ जाता है ना एक तो है नर गति देव गति तिर्यंश गति और मनुष्य गति हाँ अच्छा
तो ये 14 लाख लोगों नाथ का और कंप्लीट कीजिए ना, वो क्या है? हाँ, 14 लोकनाथ, यानी ये जो 14 बताया ना, छे छे स्वर्ग लोक है, हाँ, एक मध्य लोक है, सात हुए, हाँ, और सात नर्क लोक है, यानी 14 हो गए ना, हाँ जी, ऐसे 14 लोक का नाम। ओके ओके, समझा। थैंक यू, थैंक यू। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद संतोषानंद जी, दीपक भाई, जय सच्चिदानंद। छोटा श्रद्धा देह का गुण नहीं है, आत्मा का गुण है। कहाँ है रेफरेंस जगह? I read it for somewhere. I saw it like this. Shraddha? Deh ka gun nahi. Shraddha deh ka gun nahi hai, atma ka gun hai. संतोष आनंद जी, इसमें क्या समझना है? लेकिन देह का गुण नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? तो कि ये शरीर, शरीर जो श्रद्धा है, तो उसके उस वो कैसे होती है देखी श्रद्धा? बाहर, हाँ, तो के उसके उसकी जगह देह का गुण नहीं है, यानी देह का गुण क्या है? तो के सब विनाशी गुण है देह के, और आत्मा अविनाशी है, और आत्मा का श्रद्धा आत्मा का गुण है, यानी जो आत्मा के ऊपर जब श्रद्धा बैठ जाती है तो प्रतीति, प्रतीति जो बोलते हैं ना हम, दादा भगवान ने क्या बताया? तो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो प्रतीति में आ गए, यानी वो श्रद्धा रूप हो गई, वो उसका गुण हो गया। वहां पे वो बताना चाहते हैं दादा भगवान, इसके कॉन्सेप्ट में बोला कि श्रद्धा वो शरीर का गुण नहीं, आत्मा का गुण है, क्योंकि हमें प्रतीति बैठी है, इसलिए हमारे लिए ये शब्द, क्योंकि प्रतीति यानी श्रद्धा में आ गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, अभी लक्ष्य और अनुभव बाकी है, और जैसे जैसे श्रद्धा पक्की होती जाएगी मैं शुद्धात्मा हूँ, प्रतीति जैसे पक्की होती जाएगी वैसे वैसे वो लक्ष्य में कन्वर्ट होती जाएगी। लक्ष्य यानी क्या? क्योंकि वो हमारे ख्याल में रहता है निरंतर, कुछ भी काम करते हैं तो अंदर रहता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो लक्ष्य होता है। जैसे दादा भगवान एग्जांपल देते थे, हमें छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, और वो पाने में झूलता है, पानों में झूलता है, और हम खाना बनाते हैं, तो खाने बनाने में कितना ध्यान रहेगा और बच्चे में कितना ध्यान रहता है? बच्चे में ज्यादा, हाँ, पूरी क्रिया सब करेंगे, घर का पूरा काम करेंगे, लेकिन वो बच्चा दिमाग से नहीं जाएगा, उसकी एक एक वो पाने में होगा और ऐसे ऐसा करेगा, पड़खा फेरेगा ना, तो भी हमको सुनाई देगा कि हाँ वो इसने ऐसा किया, गिर तो नहीं जाएगा ना, जाके देख लेंगे, ज्यादा तो गुलाटी नहीं मारी ना, जाके देख लेंगे। तो क्या वो ख्याल में वो लक्ष्य लक्ष्य होता है, लक्ष्य ऐसा होता है। तो कि ये प्रतीति वाली बात की है, इसलिए मैं, हाँ, ये प्रतीति के रेफरेंस में बात है। वो बाकी दीपक आनंद जी एग्जैक्ट बताएंगे, मेरे को ये समझ में आया वो मैंने बताया। दीपक आनंद जी,
उन्होंने सही बताया है, श्रद्धा का मतलब क्या होता है, जो कभी जाती नहीं है, जिसका जो परमानेंट है। श्रद्धा का मतलब दैट डजंट चेंज। तो शरीर अपने स्वभाव से ही विनाशी है, इसीलिए कहा कि श्रद्धा देह का गुण नहीं है, वो आत्मा का ही गुण है। देह विनाशी है ना, समझ गए ना। इट रिलेट्स टू प्योर सोल ओनली, इट कैन रिलेट टू बॉडी बिकॉज बॉडी इज टेम्पररी। जय सचिवाला, जय सचिवाला। जय सचिदाना, जय सच्चिदानंद। ये गठबंधन जो है काल एंड स्पेस का, तो उसका क्या है, उसका क्या बताते हो? टाइम एंड स्पेस है ये ना, टाइम एंड स्पेस हुआ ना। हाँ हाँ, तो इसको टाइम यानी काल काल। हाँ, स्पेस अलग है, स्पेस हाँ, अलग है और काल अलग है, दोनों अलग। हाँ, तो इनका स्पेस क्या को हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, स्पेस को आकाश तत्व बोला गया जी, और समय को काल तत्व बोला गया। हाँ, बट इनका जो क्या है, हाँ, हम लोग का इसमें गठबंधन, हमारा यानी गठबंधन क्या है? दादा भगवान ने क्या बताया कि ये छह तत्व है। हाँ, जो कायम परमानेंट है जी। तो उसके अंदर एक है पुद्गल तत्व। हाँ, एक है गति सहायक, स्थिति सहायक, आकाश, स्थिति सहायक। हाँ, आकाश, काल, समय है। हाँ, और हाँ, और ये आत्मा। तो हाँ, ये क्या है, तो क्या ये पुद्गल और आत्मा ये दोनों के सामीप्य भाव से ये पूरा चक्कर चालू हो गया। हाँ, हाँ, तो के उसके अंदर सबका अपना अपना रोल है। हाँ, तो के हमें अगर यहाँ से कहीं जाना है। हाँ जी, तो के पहला क्या, समय पाकेगा तब हम यहाँ से उठ के जा पाएंगे। okay, और यहाँ से गति सहायक तत्व जहाँ बैठे है, समय हाँ, अपना शुरू होता है तब समय के अधीन वो हाँ, हमको उठा के गति सहायक तत्व उठा के ले जाती है, और okay, जहाँ पे पहुंचाना है वहां के पहुंचा के फिर स्थिति हाँ, सहायक तत्व हमें वहां पे स्थिर कर देती है। okay, और अवकाश ये पूरा जो दिखाई देता है वो पूरा अवकाश है बाकी का। हाँ, अवकाश। हाँ, हाँ, अवकाश, अवकाश तत्व यानी स्पेस तत्व। स्पेस, हाँ ठीक है, ओके, बस यही है इसका जो ये एक्सप्लेनेशन। ये पूरा जो छह तत्व है ना, छह तत्व अविनाशी, और ये अविनाशी तत्व के वो हमारे हमको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, और वो जो पूरा होता है उसके अंदर वो अपना अपना रोल बजाते हैं। ओके, और जैसे ये हमारा शरीर जी का आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है जी, तब गति सहायक तत्व अंदर रहे हुए शुद्धात्मा भगवान के ऊपर जो कर्म रूपी आवरण चढ़ा होता है, कारण शरीर जो चढ़ा होता है, उसको लेके दूसरी योनि तक ले जाते हैं। ओके, गति सर, ओके। तो ये पूरा का सबका अपना अपना रोल है, जैसा है उसके हिसाब से अपना अपना रोल है, एक दूसरे में दखल नहीं है किसी। या सबका अपना अपना रोल है, एक दूसरे को हरकत करने वाला नहीं है, लेकिन सबका अपना सेपरेट रोल है, और उस हिसाब से वो काम करते हैं। जी, समझा, थैंक यू, जय सच्चिदानंद, जय सच, जय सच्चिदानंद। डॉक्टर अभिनव जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, जय सच्चिदानंद, कहाँ चले आप? हेलो, बोलिए बोलिए,
हाँ जय सत्यनंद जी, ये ज्ञान जब श्रुत ज्ञान से मति ज्ञान में आता है हाँ, उसमें रियल पुरुषार्थ शुरू होता है, उसका क्या मतलब है? ज्ञान जब श्रुत ज्ञान से मति ज्ञान में आता है तब से हाँ, रियल पुरुषार्थ शुरू होता है, क्या होता है? रियल पुरुषार्थ शुरू होता है, रियल पुरुषार्थ शुरू होता है। हाँ जी सुना, ये सूत्र हाँ हाँ सुना, ये सूत्र है कि फिर आपने पढ़ा है कहीं? हाँ कहीं पढ़ा था मैंने, कहीं ग्रुप में पढ़ा था, हमारे ग्रुप में किसी में आया था। अच्छा, यानी दादाजी का दादाजी का सूत्र है। ये बताइए श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान के बारे में, और मति ज्ञान को कह रहे हैं जब से आता है। श्रुत ज्ञान यानी क्या होता है? तो के तीर्थंकर भगवान की बानी है, ज्ञानी की बानी है, या किसी की भी अपने बानी सुनते हैं, तो जो हम श्रवण करते हैं उसको श्रुत ज्ञान बोला गया। और वही बानी अपने अंदर काम करती है, अनुभव देती है, उसको मति ज्ञान बोला गया। यानी तीर्थंकर भगवान हमारे साथ बात करते हैं या दादा भगवान हमारे साथ बात करते हैं, तो वो जो बोल रहे हैं वो उनके लिए मति ज्ञान है और हमारे लिए श्रुत ज्ञान है, क्योंकि हमारी समझ में अभी आया नहीं है, अभी हम सुन रहे हैं। जैसे जैसे वो हमारी समझ में आएगा वैसे वैसे वो हमारे लिए मति ज्ञान होता जाए। इसलिए बताया कि मति ज्ञान, जैसे जैसे हमें आज्ञा समझ में आती जाएगी वैसे वैसे हमारा रियल पुरुषार्थ स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम दादा भगवान की वाणी सुन रहे हैं और वो जैसे जैसे समझ में आती जाएगी वैसे वैसे हमारा रियल पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। रियल पुरुषार्थ किसको बोला गया? कि जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए, मुक्ति की ओर ले जाए, उसको रियल पुरुषार्थ बोला गया। और जो व्यवहार के अंदर जो भटकाता है उसको रिलेटिव पुरुषार्थ बोला गया। चले गए? अभिनव जी बस में है ना, तो आवाज कट कनेक्शन का आता जाता। ठीक है जी, अब भी प्रिय आएगा। हाँ जी डॉक्टर, बताएं क्या बताएं? अब आएगी आवाज डॉक्टर अभिनव जी? बढ़िया है ज्ञान। बोलिए। हेलो, आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है बराबर। आपको समझ में आया? हाँ जी आया। ओके, जय सच्चिदानंद। आगे जय सच्चिद। अब बोलिए। अगर ऐसा है तो वीडियो ऑफ कर दीजिए। डॉक्टर बोलिए। सुनाई नहीं देता है। हेलो, बोलिए बोलिए। ये तो समझ में आया, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान, अवधि पर्याय ज्ञान बताइए। अवधि ज्ञान यानी आगे का जो दिखाई देता है, फ्यूचर का जो दिखाई देता है उसको अवधि ज्ञान बोला गया। फ्यूचर और पास्ट का जो दिखाई देता है उसको अवधि ज्ञान बोला गया।
और मन पर्याय ज्ञान यानी कि सामने वाले जो भी है उसके मन के अंदर क्या चल रहा है वो वो दिखाई देता है, उसको मन पर्याय ज्ञान बोलते हैं। किसको हो सकता है? हाँ, इसको हो सकता है, इसको हो सकता है क्योंकि ये 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 जैसे जो जो साधना करते हैं ना वो साधना के अधीन भी ये होता है, लेकिन दादा भगवान बता देते हैं कि जिसको जिसको आज्ञा दृष्टि प्राप्त हुई ना तो उसको समय समय पर ये सब अपने आप प्रकट हो जाएंगे सभी ज्ञान, और केवल ज्ञान है तो वो ये आज्ञा दृष्टि का जैसे जैसे समझ आती जाएगी वैसे वैसे ये ज्ञान अपने आप खड़े होते जाएंगे। और जब सत्युग था तो मन वचन का है कि एकता थी तब ये साधना करके प्राप्त किया जाता था। अभिनव जी बात आई सुनाई? हाँ जी समझ में आ गया। ओके जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी गीता मैम बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। समझी ये चारित्र मोह को खोल के बताना, ये कब तक रहता है चारित्र मोह, कहाँ तक रहेगा, केवल दर्शन तक रहेगा या केवल ज्ञान तक रहेगा, उसका एक बार दो चारित्र मोह को पूरा खोल के बताओ। देखो चारित्र मोह यानी क्या, तो के हमारे हम जो चार्ज करके लाए हैं, हाँ अभी हमें जो जो भुगतने का बाकी है वो सब चारित्र मोह है। हाँ। और जब तक केवल ज्ञान खुला नहीं होगा और जब तक सिद्ध गति प्राप्त नहीं होगी तब तक चारित्र मोह चलता रहे। केवल दर्शन पर खत्म नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, वो मुक्ति पर खत्म होता है, मुक्ति पर खत्म होता है। ये शरीर है, ये हाँ। शरीर का सब्स्टिट्यूट बोला जाए तो चारित्र मोह है इटसेल्फ। हाँ। तो वो लास्ट तक रहेगा चारित्र मोह। दर्शन मोह था वो चला गया, जो चार्ज करने वाला मोह था कर्म चार्ज करने वाला वो चला गया अभी दृष्टि प्राप्त होने के बाद। अभी से भुगतने वाला जो है बाकी रहा उसको चारित्र मोह बोला गया, यानी डिस्चार्ज बोलो, चारित्र मोह बोलो, निकाली बोलो, जो भी बोलो। लेकिन वो कब तक कहाँ तक है, क्योंकि हम सिद्ध गति में नहीं जाएंगे तब अगले क्षण तक सब कुछ है, अगले समय तक सब कुछ है चारित्र मोह में। हाँ, ये शरीर है इटसेल्फ बताता है चारित्र मोह है। ये हाँ। शरीर है वो चारित्र मोह का पुतला है। और इधर दादाजी ने बोला कि जो प्रज्ञा और अज्ञा के बारे में जो दादाजी ने बोला, तो दादाजी इधर कहते हैं अज्ञा ही धर्म है और अज्ञा ही तप है। और इधर अज्ञा को अज्ञान भी बोला। नहीं नहीं, ये आज्ञा वही धर्म और आज्ञा वही तप, आज्ञा का धर्म और आज्ञा को तप बोला है। वो अज्ञा है, अज्ञा है और आज्ञा है, आप सुनिए आज्ञा है। हाँ। प्रज्ञा और अज्ञा है। हाँ, अज्ञा अज्ञा है यानी अज्ञान, प्रज्ञा एटली प्रकाशित ज्ञान। हाँ, तो इसमें प्रज्ञा का दादाजी बोल रहे हैं कि प्रज्ञा आत्मा का ही प्रतिनिधित्व करता है, आत्मा का ही मतलब प्रतिनिधित्व करता है ऐसे। प्रतिनिधित्व करता है यानी क्या बताया दादा भगवान ने?
क्योंकि अभी ये कलयुग के अंदर कृपा से हमें ये दृष्टि प्राप्त हुई है। हाँ। हमारा ये दृष्टि, ये शुद्धात्मा का दृष्टि प्राप्त करने में हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। हाँ। हमारी पुण्य के आधार पर ज्ञानी ज्ञानी पुरुष दादा भगवान हमें मिल गए और हमें ये दृष्टि प्राप्त हो गई। क्योंकि हाँ। अभी ये दृष्टि प्राप्त हो गई और बाकी का जो भुगतने का भाग था वो तो खड़ा ही है। हाँ। क्योंकि वो वाला भाग क्या करेगा, क्योंकि वो संसार के अज्ञा वाला जो भाग खड़ा है वो क्या करेगा, तो के संसार की ओर ले जाएगा, संसार के अभी हाँ संसार की ओर खींच के ले जाएगा वापस। क्योंकि उसको अभी वहां से वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतना वो खुद नौकरी करता है तो सैलरी वाला नौकरी करने वाला कैसे रख सकेगा कि हमें चेताएगा कि भाई चेतो चेतो। वो तो भरत चक्रवर्ती राजा था तो वो तो नौकर रखे, ऐसी उनकी कैपेसिटी थी। क्योंकि कलयुग में हमारी कैपेसिटी है नहीं, इसलिए प्रज्ञा शक्ति जागृत करके दी हमें दादा भगवान ने, कि अभी प्रज्ञा शक्ति हमें हर एक संजोग के अंदर हमें चेताएगी कि ये रिलेटिव यानी जगत में भटकाने वाला भाग है और ये रियल आत्मा की ओर ले जाने वाला भाग है। तो हमें जो आत्मा की ओर ले जाने वाले पक्ष में बैठने का है, संसार के अंदर भटकाने वाले पक्ष में नहीं बैठने का है, वो प्रज्ञा का काम है। वो हर समय हमें चेताती, हर संजोग में हमें चेताएगी, वो चेतावनी देगी कि अगर ऐसा किया ना तो संसार में भटकना पड़ेगा आपको, अगर नहीं भटकना है तो वापस आ जाओ, वो चेतावनी देती है हमें। फिर दादाजी आगे यहाँ कहते हैं कि जो ये मेरी प्रज्ञा शक्ति है ना, जो मैं तुम मुझे याद करते हो तो मेरी सूक्ष्म हाजिरी इस प्रज्ञा शक्ति के रूप में काम करती है। ये बहुत अच्छी दादाजी आगे बात करते हैं। वो इसलिए बताया कि प्रज्ञा शक्ति यानी आत्मा का डायरेक्ट प्रकाश बताया दादा भगवान हाँ, ने हाँ, और अज्ञा है वो अहंकार के माध्यम वाला प्रकाश है। हाँ, इसलिए उसको अज्ञा बोला गया और ये आत्मा का डायरेक्ट प्रकाश है इसलिए प्रज्ञा बोला गया है उसको। हाँ, ऐसा है। हाँ, तो जब केवल ज्ञान खुला हो जाएगा तब प्रज्ञा की जरूरत नहीं है, वो प्रज्ञा हाँ, वापस उसके अंदर विलीन हो जाएगी। विलीन हो जाएगी, यही बोला। आज मैं आप वाणी पढ़ रही थी तो दादाजी बोलते हैं कि आत्मा प्रज्ञा वापस विलीन हो जाएगी, उसकी जरूरत ही नहीं है जब तक केवल ज्ञान खुला। और मतलब मुझे ये महसूस हो रहा था कि इस कली काल में यदि हमको ये जो प्रज्ञा समकत बुद्धि मिल गई और प्रज्ञा मिल गई तो इस कली काल में हमारा अहो 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 भाग्य है जो हमें केवल ज्ञान तक ले जाकर ही छोड़ेगी, प्रज्ञा हमारा पीछे छोड़ेगी नहीं। ये हमारे दादा भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई। हाँ, ये इस युग में बहुत बड़ी लॉटरी लगी है हमें। हाँ, बहुत बड़ी लॉटरी लगी, इसलिए दादा भगवान बता देते ना कि जिसके जो श्रीमंत है जिसके पास भौतिक सभी प्रकार की सुख सुविधा है लेकिन अंदर शांति नहीं है, क्या करने का क्या करे, सही बात। और महात्माओं के पास बाहर की भौतिक सुख सुविधा कम होगी लेकिन अंदर से पूरी समाधान है, अंदर पूरी शांति है। ठीक है, तो क्या पुण्यशाली किसको बोला गया, जिसके साथ भौतिक सुख सुविधा नश्वर सुविधा है वो, या जिसके पास अविनाशी सुख का अनुभव हुआ वो? अविनाशी सुख का अनुभव हुआ वो। दादा भगवान ने क्या बताया कि जिसके पास भौतिक सुख भरपूर है और खुद कौन है वो जानता नहीं है तो उसका कभी एंड नहीं है, वो इस जगत के सब ये जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहेगा। और जिसके पास मैं कौन हूँ उसका भान हो गया है, उसका अनुभव हो गया तो उसका एंड आ गया। अभी उसको जन्म मरण के चक्कर में ज्यादा घूमने का बाकी रहा नहीं।
क्योंकि पुण्यशाली कौन है, जिस जिस जो चक्कर से छूटा वो पुण्यशाली है, यहाँ चक्कर में भटक रहा है वो पुण्यशाली है, छूटा वो पुण्यशाली जिसने आत्मा का सुख चखना शुरू किया। वही दादाजी वही बोलते ना, वो उसी में ये भी बोल रहे थे दादाजी कि जो प्रज्ञा के माध्यम से जो तो किसी ने पूछा कि दादाजी जो हमें आनंद आता है वो आत्मा का आनंद जो हमें अनुभव होता है वो कि वो प्रज्ञा के माध्यम से ही तो हमें आत्मा का आनंद का अनुभव होता है, बाकी संसार की विनाश वस्तुओं में सुख है ही कहाँ, अनंतता का सुख है। वो कोटेशन भी दादाजी दे रहे थे। फिर दादाजी बोलते हैं कि हाँ बोलिए फिर मतलब जीवन एक जलता अंगारा है ना, और दादा का ज्ञान हरे वृक्ष की छाँव, जीवन जलता अंगारा है और ये ज्ञान हरे वृक्ष की छाँव है, छाँव सच में छाँव है। दादा भगवान उसका एग्जांपल देते थे के रण 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 का प्रदेश है जहाँ पे दूर 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 तक कुछ भी नहीं है रेती के अलावा, रेती के और वहाँ पे थोरिया होता है ना, थोरिया वाला वृक्ष होता है, वो कटेला वाला वृक्ष होता है ना, तो उसकी छाया भी मीठी लगती है, मीठी लगती है। ऐसे समय में हमें तो दादा भगवान ने लिमड़ा की छाया दे दी, लिमड़ा की छाया दे दी, वट वृक्ष की छाया दे दी, वट वृक्ष की छाया छाया दे दी। बहुत करुण कृपा है उनकी, बहुत करुण कृपा है, क्या अवतार लेकर आए होंगे हमारे लिए। ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है संतोष आनंद जी, आप प्री मंत्र बुलाए गीता मैन फॉलो करिएगा। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम्, नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो उवज्जायाणम्, नमो उवज्जायाणम्, नमो लोए सव साहुणम्, लोए सव साहुणम्, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावकपणासनो, सावे पणासनो, मंगलाणम च संविसिम, मंगलाणम च संविसिम, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।